फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का वीडियो हमने पहले दे दिया था। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के संबंध में, जो आईसीआर 16 कमेटी लागू किया है, इसका सिलेबस नया परिवर्तित हुआ है, तो इसमें क्या जुड़ा है, और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में तो हॉर्टिकल्चर आई थिंक होता नहीं है, लेकिन इट में भी हो सकता है। 16 का नया सिलेबस आ चुका है, तो इसके लिए आप लोग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। पढ़ने के लिए कंटेंट हम आपको बताएंगे कहाँ से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ अवेलेबल भी है ऑलरेडी। देखिए, एडमिशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के वाया थ्रू आपका एडमिशन हो गया विज आईसीआर, सीयूटी, यूपी कैटेट, बीसीसी, एमपी पैट, सीजी पैट, एक्स वाई जेड, चाहे एसएयू में हुआ, चाहे सीयू में हुआ, चाहे डिम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। एसएयू का मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीयू का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या डिम्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में अगर एडमिशन हो गया, तो आप फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम करने के उपरांत आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर एक साल कंप्लीट करने के बाद अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपको मिलेगा 10 सप्ताह इंटर्नशिप, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद यूजी सर्टिफिकेट इन हॉर्टिकल्चर, ये आपको मिल जाएगा। अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हॉर्टिकल्चर लेके नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं कि हम सर एग्रीकल्चर ले लेंगे, तैयारी करके मान लीजिए अगर इनका हो गया एग्रीकल्चर में, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करिए। सेकंड ईयर में आप पहुंचने वाले होंगे, उसके पहले आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, तो एग्रीकल्चर में चले जाइए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं हुआ इन केस, तो आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू करके सेकंड ईयर में अगर 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, तो यूजी डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाएगा। ये भी सर्टिफिकेट काम देगा, ये भी सर्टिफिकेट काम देगा, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर में ट्राई किया नहीं हुआ, तो थर्ड ईयर में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जो मिलेगी ये डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब बाकी फोर्थ ईयर पढ़ेंगे, रावे आ जाएगा, तो आप इसमें कंप्लीट हो जाएगी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप एमएससी करना चाहते हो, तो एमएससी हॉर्टिकल्चर में किस सेक्शन से कर सकते हैं, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, और वेजिटेबल साइंस वही ओलेरिकल्चर, और लैंडस्केप ऑर्नामेंटल से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखिए, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वृक्षारंभ, इंट्रोडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स, ये क्या है, कोर्स क्या है, ये नॉन ग्रेडियल है, इसमें सिर्फ पास होना है आपको, इसका ना मार्क जुड़ेगा आपके डिग्री में, ना ही कोई इसका, बस सिर्फ ये जानकारी के लिए है, इसेंशियल नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है, बस वही है। पहला आपका सब्जेक्ट मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत, 3 क्रेडिट। 3 क्रेडिट का मतलब क्या है सर, 2 क्लास आपकी थ्योरी की लगेगी, 1 क्लास आपकी प्रैक्टिकल की लगेगी, समझे, 2 क्लास आपकी सप्ताह में थ्योरी की लगेगी और 1 क्लास आपकी प्रैक्टिकल में लगेगी, टोटल आपकी 3 क्लास 1 सप्ताह में लगेगी, 3 क्लास से अधिक नहीं लग सकती, मतलब आपको 2 और 2 4 घंटे आपको, ये 4 घंटे की क्लास हमारे सीएसएन यूनिवर्सिटी में चलती है, यही आई थिंक सब जगह चलती होगी। प्रैक्टिकल की क्लास में 2 अटेंडेंस लगता है, थ्योरी की क्लास में सिंगल सिंगल अटेंडेंस लगता है, मतलब सप्ताह में आपके 4 अटेंडेंस लगेंगे, 4 घंटे की क्लास रहेगी। प्रैक्टिकल की क्लास 2 घंटे की लगती है सीएसएन यूनिवर्सिटी में, आई थिंक सभी यूनिवर्सिटियों में यही लगती होगी, ठीक है। प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये भी आपकी 3 क्रेडिट की, सर ये ऊपर वाला 3 क्रेडिट का है, नीचे वाला भी 3 क्रेडिट का है, जी बिल्कुल, 1 थ्योरी की क्लास, 2 प्रैक्टिकल की। क्यों प्रैक्टिकल की, इसमें एक चीज देखिएगा, प्लांट प्रोपोगेशन
पौधों का प्रवर्धन करना और नर्सरी को मैनेजमेंट करना। किसके नर्सरी का? फलों और प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और फलों का, फलों के नर्सरी को मैनेजमेंट करना तथा उनके पौधों का प्रवर्धन करना। ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं, प्रवर्धन अलग है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि इसके चाहे पौधे किसी एक पार्ट से, चाहे रूट से, स्टेम से, किसी भी पार्ट से एक नया पौधा जनरेट करना या जर्मिनेट करना या उगाना या ग्रो करना, वही क्या होता है? प्रोपोगेशन, प्रवर्धन होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ये सब प्रैक्टिकली काम है, थ्योरेटिकल काम नहीं है। इसलिए एक थ्योरी की क्लास है, दो प्रैक्टिकल की है। ठीक है, 4 घंटे थ्योरी क्लास चलेगी और 1 घंटे आपकी प्रैक्टिकल, सॉरी 4 घंटे आपकी प्रैक्टिकल की क्लास रहेगी और 1 घंटे टोटल, ये 5 घंटे की सप्ताह में क्लास लगेगी। इसमें 4 अटेंडेंस लगेगा प्रैक्टिकल में और 1 अटेंडेंस लगेगा थ्योरी में, यानी आपका 5 अटेंडेंस लगेगा। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, कमर्शियल वर्ड से आपको कुछ तात्पर्य लगा? व्यावसायिक उत्पादन किसका? फ्लावर क्रॉप। तो इसमें भी आपका कितने क्लास है? 1 थ्योरी, 2 प्रैक्टिकल। कमर्शियल ग्रोइंग करना, उगाना, व्यावसायिक पर्पस से कोई भी पौधा उठाएंगे तो वो कमर्शियल प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें भी 5 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की, 4 घंटे की प्रैक्टिकल है, 1 घंटे की थ्योरी है। ठीक है, 5वां है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये आपकी 3 क्रेडिट का है, 2 आपका थ्योरी, 1 प्रैक्टिकल। स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन, ये आपने सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, 1 थ्योरी, 1 प्रैक्टिकल। कि अगर आप जैसे मान लीजिए बीएससी आर्ट्स हॉर्टिकल्चर करने के बाद जाते हैं, अगर आपकी नौकरी इनकेस नहीं लगती है, देन आप इसका उपयोग करके आप आर्चर्ड लगाते हैं, आप बड़ी बड़ी बागवानी लगाते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर आप कहीं कंपनी में हायर हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कम जल भराव हो, कम जल उपयोग दक्षता हो, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्शन हो, सबकी चाहत यही होती है कि इनपुट कम लगे, आउटपुट ज़्यादा मिले। जैसे आपके पिताजी आपसे क्या उम्मीद लगाए हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई पर फीस कम लगे और बच्चा मेरा अधिक से अधिक सैलरी पाए, यही तो है। मैं भी क्या चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाने में या अन्य कामों में कम काम करूं और वीडियो के व्यूज ज्यादा जाए, सिंपल सी बात है, बस वही है, वही है स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। 1 क्लास थ्योरी, 1 क्लास प्रैक्टिकल की। ये तो फार्मिंग वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मिंग का मैनेजमेंट क्या सिस्टम है। कम्युनिकेशन स्किल, 1 थ्योरी, 1 प्रैक्टिकल। कम्युनिकेशन स्किल से क्या समझते हैं आप? हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन, ये सारी स्किल डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप हमें एग्जांपल ले लीजिए कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, यूपी कैडेट से रिलेटेड, ICR से, CUT से, कोई से भी ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हम आपको ऐसा कम्युनिकेट करें कि आपके अंतर, आपके पास तक हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाए, वही है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। हमने ऐसा स्किल कहीं, हमने मतलब कैसे सीखा? किताबों से, अपने सीनियरों से, आसपास के एनवायरमेंट से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से सीखा, वही आपको यही पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल में। कि आप अपने पिताजी से कैसे बातचीत करते हैं, आप अपने सीनियर से बातचीत कैसे करें, आप अपने फार्मर से बातचीत कैसे करेंगे। जैसे कुछ गार्जियन समय फोन करते हैं तो मैं उनको एज ए गार्जियन ही बात करता हूं, मैं भी अपना उनको प्रेजेंट टाइम में पेरेंट ही मान करके बात करता हूं।
तो वही है कि हम भी उनको ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि वो मेरी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और सहमत रहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, मैं उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, फिर अपनी बात रखता हूँ। वही है कम्युनिकेशन स्किल, कुछ है ना इसमें, ठीक है, लेकिन इसको जरूरी है पढ़ना। अब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये तो आपको समझदारी कम्युनिकेट कर वाली बात आ गई, लेकिन ये स्किल एनहेंसमेंट क्या है? क्या सर ये कोई जादू का है क्या कोर्स? नहीं, सेक्शन वन मैंडेटरी, सेक्शन वन, इसमें चार क्लास आपकी जो लगेगी ये प्रैक्टिकल की लगेगी और इसमें 8 घंटे की होगी, इसमें अटेंडेंस 8 लगेंगे, ठीक है। अब बाकी एनसीसी और एनएसएस के बिना आपकी डिग्री इनकम्प्लीट होती है, ये एक सप्ताह में एक क्लास लगती है, प्रैक्टिकल की लगती है, ठीक है। तो ये स्किल इनहेंस का मतलब क्या है कि आपको एज ए बिजनेस परपज, आप जब ग्रेजुएशन करने के उपरांत आप जाएंगे तो बिजनेस कैसे आपकी स्किल को, यहाँ पर तर्क शक्ति को बढ़ाया जाएगा, जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कैसे बातचीत करेंगे अपने इंटरव्यूअर से, एज ए बिजनेसमैन जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे डील करेंगे, कैसे आप जो आपके इम्प्लॉय रहेंगे उनसे कैसे बातचीत व्यवहार, यही सब है इसके अंतर्गत, स्किल एनहेंस के अंतर्गत। ये नई चीज आई है, ठीक है, ये हमारे समय में नहीं था, हमारे समय में ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, बाकी सारे कोर्स हैं हॉर्टिकल्चर से। हालांकि मेरी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे जो बैचमेट्स हैं इनके सिलेबस हमने देखे थे तो उसमें ये, बाकी 2 सिलेबस चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।